एक्टिंग प्रोफेशन में ऑडिशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मैंने इस पर बहुत सारे वीडियो पहले ही बनाए, लेकिन सेल्फ इंट्रो कैसे देना चाहिए और किस किस तरीके से, आजकल बहुत चीजें बदल गई हैं, क्या क्या होता है, कितने तरीके हैं, यही बताऊंगा आज के फिल्मी फंडे में। सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये आप लोगों के लिए सीखने का बहुत अच्छा तरीका हो सकता है, क्योंकि आजकल नॉर्मल इंट्रोडक्शन से बढ़कर भी चीजें होने लगी हैं। सेल्फ इंट्रो पे मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था, प्लीज उसको देख लीजिएगा। मैं थंबनेल शेयर कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी शेयर कर रहा हूँ। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि प्रोडक्शन हाउसेस, कास्टिंग डायरेक्टर इंट्रो कैसे लेते हैं। आजकल इंट्रो का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस हो गया है, क्यों? क्योंकि ज्यादातर कास्टिंग डायरेक्टर और रेगुलर प्रोडक्शन हाउस सिर्फ इंट्रो लेके रख रहे हैं। तो कई लोग ये सोच रहे हैं नए एक्टर कि इंट्रो का मतलब है जस्ट इंफॉर्मेशन। नहीं नहीं नहीं, इंट्रो से ही वो अंदाजा लगा लेते हैं कि आपके अंदर डिक्शन प्रॉब्लम है कि नहीं है, आपको कैमरा फियर है कि नहीं है, आपका बोलने का तरीका सलीका कैसा है, वो सब कुछ समझ जाते हैं। इसलिए इसको अच्छे से सीखिए, समझिए। आज का ये वीडियो आपको पूरी तरह से सिखाएगा कि किस तरह से इंट्रो देना चाहिए। पहला जो तरीका है वो बहुत पुराना है, सिंपल है, कि उसमें आपको नॉर्मली अपना नाम बताना है, एज बतानी है, हाइट बताना है, और उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल देने के बाद प्रोफाइल्स देने हैं। मैं आपको डेमो करके दिखाऊंगा। तो पहला तरीका अभी मैं आपको दिखाता हूं, लेकिन उससे पहले हमेशा समझिए, जब भी आप ऑडिशन रूम में एंटर हों तो जो भी वहां पर अवेलेबल क्रू है, मतलब कैमरा पर्सन है, कास्टिंग डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, कोई भी, उसको मुस्कुराते हुए हेलो करते हुए अंदर एंटर हो। इससे फायदा जो सबसे बड़ा होता है वो ये होता है कि आपका इंप्रेशन पड़ता है। दूसरी बात, ये मुस्कुराने से आप कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, और जब आप कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं तो ऑडिशन ईजिली हो सकता है। तो इसका डेमो देखते हैं जल्दी से। सर, मेरा मार्क कहाँ है? जहाँ पे आप खड़ी हैं वहीं पे मार्क है। और मेरा फ्रेम कितना है? आपका मिडल शॉट लग रहा है तो फ्रेम इतना ही है। अच्छा। हेलो, माय नेम इज अंकिता कुमारी, आई एम 23 इयर्स ओल्ड, माय हाइट इज 5 feet 5 inches, माय कॉन्टैक्ट नंबर इज 8433666618, आई कैन स्पीक हिंदी इंग्लिश, हेयर आर माई प्रोफाइल्स। थैंक यू सो मच। सेकेंड जो तरीका है इंट्रोडक्शन का, ये ज़्यादातर मॉडलिंग में यूज़ होता है, लेकिन कई बार सीरियल्स के लिए भी और फिल्म्स के लिए भी यूज़ होता है। इसमें क्या होता है, एक पूरा स्लेट आपके हाथ में होता है, कोई या तो व्हाइट बोर्ड आपके हाथ में होता है, उसमें आप जाते हैं, अपना नाम लिखते हैं, एज लिखते हैं, हाइट लिखते हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल लिखते हैं, और उसको इस तरह से लेके खड़े हो जाते हैं। कई बार क्या होता है, जब नए लोग आते हैं तो उनको बड़ा अजीब सा लगता है कि ये कैसा एकदम कैदियों जैसा पोज बनाना पड़ रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको सिंपल उसको होल्ड करके खड़े होना है मुस्कुराते हुए, और उसके बाद प्रोफाइल्स देने हैं। प्रोफाइल देने का तरीका सेम ही है। हेलो, माय नेम इज अंकिता कुमारी, आई एम 23 इयर्स ओल्ड, माय हाइट इज 5 feet 3 inches, माय कॉन्टैक्ट नंबर इज 8433666618, हेयर आर माय प्रोफाइल्स। थैंक यू सो मच। जो ये थर्ड तरीका है, ये सेल्फ इंट्रो का अभी एक तरह से कह सकते हैं आपकी नया इंट्रोड्यूस हुआ है, क्योंकि अब ज़्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, अपना डेटा बैंक क्रिएट कर रहे हैं, और वो इसलिए क्रिएट कर रहे हैं कि अब डिजिटल फॉर्म में वो डेटा क्रिएट कर सकते हैं। पहले फोटोग्राफ होते थे तो सबको ऑडिशन के लिए बुलाना ही पड़ता था, लेकिन अब क्योंकि विजुअली वो आपकी बॉडी लैंग्वेज देख सकते हैं, आपके बोलने का तरीका देख सकते हैं, तो अब उन्होंने क्या करा है कि आपकी क्लिपिंग लेके रख लेते हैं। कई लोग ये सोचते हैं और मुझसे बोलते भी हैं कई एक्टर कि हर प्रोडक्शन हाउस ना बस डेटा बैंक बना रहा है। आप सोच के देखिए, उनको डेटा बैंक की क्या ज़रूरत है? उनको तो ये चाहिए कि जो एक्टर कॉन्फिडेंट है, कैमरा फियर बिल्कुल नहीं है, वो ही रहे उनके डेटा बैंक में, अदरवाइज वो डिलीट कर देंगे, आपकी फाइल वहाँ पर रहेगी भी नहीं। तो ये तरीका है, नॉर्मली कैमरा पर्सन के साथ में कास्टिंग या फिर डायरेक्शन डिपार्टमेंट से कोई खड़ा हो जाता है और आपसे नॉर्मली पूछता है, आपका नाम बताइए, आप क्या करते हैं, वो जो जो भी क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कॉन्फिडेंटली, उसको बस कैमरा लुक रख के आंसर देते जाइए। तो ये एक, बल्कि मुझे लगता है ये ज़्यादा अच्छा तरीका है, इसमें आपको एकदम रटी रटाई कोई बातें नहीं बोलनी, जो जो पूछ रहे हैं बस वही बता रहा है। आपका नाम? अंकिता कुमारी। आपकी एज? 23 इयर्स। आपकी हाइट? 5.3 inches। आपका कॉन्टैक्ट नंबर? 8433666618।
आपकी प्रोफाइल? थैंक यू सो मच. थैंक यू. वो तो जो तरीका है ये तीसरे से मिलता जुलता है, लेकिन थोड़ा सा बस डिफरेंस है. बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस वो भी आजकल इंट्रो लेके रख रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल यशराज. यशराज में कैसे करते हैं कि जब ऑडिशन के लिए बुलाते हैं तो आपको सामने बैठाते हैं कैमरे के, और उसके बाद कैमरा पर्सन या फिर कास्टिंग डायरेक्टर ही कैमरा लेकर आपसे सिर्फ बातचीत करते हैं. मतलब उसमें नाम, एज, हाइट के अलावा भी बहुत सारी बातचीत की जाती है कि आपका फेवरेट एक्टर कौन सा है, आप किस किस तरह के रोल करना चाहते हैं. जब भी इस तरह का सवाल हो एकदम कॉन्फिडेंस के साथ जवाब ये दीजिए, मैं हर तरह का काम करना चाहता हूँ, हर तरह के रोल करना चाहता हूँ. बहुत से एक्टर अपनी लिमिटेशन वहाँ पर बता के आ जाते हैं, जिससे कि वो समझ जाते हैं कि ये जो एक्टर है ये बंधा हुआ है, तो इससे आपका नुकसान हो सकता है. हमेशा ये बोलिए कि मैं हर तरह के रोल डिस्कवर करना चाहता हूँ, हर तरह का काम करना चाहता हूँ. और भी बहुत सारी चीज़ें पूछेंगे, जैसे आपको क्या क्या शौक है, आप क्या क्या खेल सकते हैं, क्या आप गाना गा सकते हैं. बहुत सारी चीज़ें इसलिए पूछते हैं कि आजकल जो कास्टिंग हो रही बड़ी रियलिस्टिक हो रही है, तो अगर कोई हुनर और भी है आप में तो वो उनको पता चल जाए, क्योंकि ये डेटा उनके हमेशा काम आएगा. जब भी उनको कास्टिंग करनी होगी वो इस डेटा को देखेंगे, इसमें से जो उनको लुक सूट करेगा उसको बुलाएंगे, उसका दोबारा ऑडिशन लिया जाएगा. यही प्रोसीजर है. आपका नाम? अंगिता कुमारी. आपकी एज? 23 इयर्स. हाइट? 5.3 इंचेस. आपका कॉन्टेक्ट नंबर? 8433666618. आपका फेवरेट हीरो? माय फेवरेट हीरो इज अजय देवगन. और हीरोइन? दीपिका पादुकोण. ओके, दीपिका पादुकोण क्यों आपकी फेवरेट है? बिकॉज़ उनमें बहुत टैलेंट है, वो हर तरह की मूवी करती हैं. किस टाइप के किरदार आपको अच्छे लगते हैं? हर तरह की, रोमांटिक, एक्शन. थैंक यू. सो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि ये चारों तरीके आपको बहुत ही हेल्प करेंगे ऑडिशन देने के लिए. ऑडिशन को अच्छे से जानना समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक्टिंग में करियर विदाउट ऑडिशन क्लियर के नहीं हो सकता. ऑडिशन में सिलेक्शन बहुत जरूरी है, और इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप ऑडिशन से रिलेटेड सारी बातें जान लें. ऑडिशन सिलेक्शन वर्कशॉप जो 3 दिन की मुंबई में होती है, उसमें मैं ज़्यादातर इन्हीं बातों पर जोर देता हूँ और आपको कैमरे के सामने प्रैक्टिस कराता हूँ, ताकि कभी भी ऑडिशन में आपका फेक लोगों से सामना ना हो और ऑडिशन आप क्लियर कर जाएं. आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा. अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी. तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए. ऑल द वेरी बेस्ट. I will join.